कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत जहदोजहद का इस्तेमाल करना पड़ता था और उसके अंदर कम से कम 8वीं पास होना बहुत जरूरी था। लेकिन अब जो भी कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास होना अब जरूरी नहीं है। सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। सड़क परिवहन मंत्री ने मंगलवार को यह बात कही कि वर्तमान में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 8 के तहत किसी भी वाहन चालक के लिए कक्षा 8 पास होना बहुत जरूरी था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कुशल लोगों को जो आज बहुत अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं और बहुत अच्छे व्यवहारिक भी हैं, लेकिन उनपे किसी कारणवश पढ़ाई या 8वीं पास न होने की वजह से वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कुशल लोगों को लाभान्वित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। बयान के अनुसार बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इससे विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा। मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद में 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। देश में ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं जिनके पास औपचारिकता शिक्षा नहीं है लेकिन साक्षर और कुशल हैं। ये खबर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारणवश या 8वीं पास नहीं कर पाए और अधिकतर देखते रहते थे कि हम अच्छे ड्राइवर तो हैं पर हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।